गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजेंद्र, मैथ्स टीचर फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ग्रुप्ड अनग्रुप्ड क्लास, अपर लिमिट लोअर लिमिट वगैरह किया था। अब उससे नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? देखिए, आपके पास कोई भी टेबल है वो 0 to 10 मिलेगी, 10 to 20 ऐसे मिलेगा आपके पास, 20 to 30, 30 to 40। तो इस प्रकार से आपकी क्या थी? क्लास। हमने क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो क्लास मार्क क्या हो गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? क्लास मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो क्लास मार्क हम निकालेंगे तो इसका क्लास मार्क आपका क्या हो गया? 0 plus 10 by 2, यानी 10 by 2 यानी 5। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? क्लास मार्क। अब इसके पास, आपके पास इसके अंदर आता है मीन मोड मीडियन। क्या आता है? मीन मोड और मीडियन। ये मीन मोड मीडियन क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, हम एक डेटा लेते हैं यहां पे 10 स्टूडेंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स है, वो मार्क्स ऐसे आए, किसी बच्चे के 2, किसी के 5, किसी के 3 और किसी के मार्क्स क्या है? 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 8 है, 1 है, 10 स्टूडेंट के 0 है, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया और फिर 6 आ गया। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, तो अब जैसे पहला आता है मीन। मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन क्या होगा? मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि इन सभी का सम, जैसे 2 plus 5 plus 3 plus 7 plus 8 plus 1 plus 0 plus 5 plus 4 plus 6 डिवाइड बाय 10 है, तो 10 कितना सम आया? 7, 10, 17, 25, 26 और 26 और 5, 31, 41 by 10 यानी 4.1। इसका जो मीन है वो कितना आ गया? 4.1। नेक्स्ट आता है मोड। मोड क्या होगा? जो डेटा जितने टाइम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, तो मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। विच डेटा हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, कोई डेटा है
उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड करनी है, तो वो डेटा हमारा मोड हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होगी, वो डेटा है वो मोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे देखा तो टू है वो वन टाइम है, फाइव है ये फाइव टू टाइम्स आया हुआ है, थ्री वन टाइम, सेवन वन टाइम, एट वन, फोर सब ये वन टाइम्स है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फाइव हैज फ्रीक्वेंसी टू, फाइव है ना उसकी फ्रीक्वेंसी टू है, विच इज मोस्ट, विच इज मोस्ट, जो कि ज्यादा है। सभी की फ्रीक्वेंसी वन वन है, केवल फाइव है जिसकी फ्रीक्वेंसी टू है, सो आवर मोड इज फाइव। सो मोड आपका क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है, हमारा मोड है वो क्या हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है हमारे पास वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, टू टाइम्स है फाइव, सिक्स, सेवन और एट, ठीक है ये हो गया। अब अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो बीच के जो टू डेटा है उनका सम करके हाफ, इफ इवन डेटा इज इवन देन मिडल, सम ऑफ मिडल टू बाय टू, ठीक है। अगर इवन है जैसे वन टू थ्री टेन हो गया, एट हो गया, तो इवन है जैसे वन टू थ्री फोर ये छोड़ दिया, तो इसका फिफ्थ प्लस सिक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। और अगर ओड है तो बीच का जो डेटा है वो हमारा, अब इसका मीन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फिफ्थ क्या है इसका, फिफ्थ ये फाइव है, प्लस में वन टू थ्री फोर, सॉरी मैं फोर इधर छोड़ दिया, फिफ्थ और फोर इधर छोड़ दिया, तो इसका फोर प्लस फाइव अपॉन में टू यानी नाइन बाई टू, यानी कितना आ गया, फोर पॉइंट फाइव। और अगर ओड होता तो ओड का हो गया जैसे नाइन होता तो फोर इधर हो जाता, फोर इधर हो जाता, ठीक है। तो ये था आपका मीन, मोड, मीडियन। Thanks and have a nice day.